गुड मॉर्निंग बीवी। ए बीवी, ये लड़का ना माज नहीं आ रहा, ये धोधी वो धोधी वो धोधी, इसने ना बस पिछले एक घंटे से सबका जीना आराम कर रखा। हाँ भाई, वो बुगले कहाँ मेरे घर में घुसा था भाई? ये देखो चुप करा रहा है उसको। देखो मेरा डांस, सबको सबने आपको कहा था डांस सिखाऊंगा। मेरी मैडम को बनाना है वाटरमेलन जूस, तो भाई साहब हमें ऑर्डर मिला है। तो भाई लोगों, मम्मी पापा ने मना कर दिया चाय के लिए, मैं अपनी घरवाली के लिए बना रहा हूँ चाय। फटाफट उसे चाय दे के उठाता हूँ। गुड मॉर्निंग बीवी। ए बीवी, बीवी चाय। फाइनली मोटे से थोड़ी बहुत बात हुई। मोटे के लिए मैंने उसके स्पेशल बिस्किट भी लाया, मैं उसे खिलाता हूँ, उठाता हूँ, और फिर अपने जो घर वगैरह कमरा वगैरह थोड़ा बहुत सँगवाना है उसमें लग के। ये लड़का ना माज नहीं आ रहा, इन्हें ये धोधी वो धोधी वो धोधी। अबे बस कर, मैं गाड़ी को 3 बार धो चुका, मेरी बाइक 2 बार धो चुका, स्कूटी बची हुई है वहाँ पे। ओए देखो, हमारे नन्हे महाराज ने ना डक बना दिया आज हमारा घर। साहब आज मैंने अपनी बाइक धोई, तो पहले इन्हें बाइक पर दबा के पानी मारा, मैंने शैम्पू लगाया, फिर शैम्पू मारा, अब अपनी बाइक धो रहा लड़का ये। इसने ना बस पिछले एक घंटे से सबका जीना आराम कर रखा है, पूरा पूरा घर पानी पानी कर दिया, पूरा सारी बाइकें धो दी, सारी स्कूटियाँ धो दी इसने। देखो मैं ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी इसने बाइक धो दी थी रिशु ने हमारी, ये देखो पूरी बाल्टी भर दी इसने। ओए बार बार कौन करता है? शुभ भवन है ना, सारी जगह पानी पानी कर रखा है। अभी मैं जा रहा हूँ बाजार में, फिर आके यहाँ पर सूखूंगा इसे, वो खड़ी मेरी धनों। एक्चुअली अगले वीकेंड में जा रहा हूँ ज्योति के घर, तो इसलिए गाड़ी के पेपर वगैरह को थोड़ा जेरोक्स कराया हूँ, और सामान भी लाना है। तो अपन लोग, हमारे यहाँ लॉकडाउन खुल चुका है एक्चुअली, तो अपन लोग जाते हैं मार्केट में सामान लेके आते हैं। तो भाई जैसा बताया था ना मैंने आपको कि खुंटी लेनी थी मुझे, तो मिली खुंटी। अब चलते हैं आगे, फोटोशूट कराते हैं, फिर थोड़ा बहुत मैडम के लिए चिप्स वगैरह लें। सो भाई जेरोक्स डन, अब अपन जाएंगे चॉकलेट और चिप्स लेने, मैडम के चॉकलेट चिप्स लेते हैं। तो पता है हमारी मैडम को ना ये चॉकलेट टेम्पटेशन है ना, जो इसकी ऑलमंड ट्रीट वाली होती है भाई, इतनी पसंद है जिसे तुम कितनी खिला लो इसे भी। ये मतलब अगर मैं ले जा कर दूंगा ना, ये 2 दिन में निकल जाएगी पूरी, इतना खाती है, इतनी पसंद है इसे, इसके सामने और कोई चॉकलेट इतना पसंद नहीं है भाई। तो अब मैंने रिशु के लिए और रिशु के लिए किंडर जो है अपनी बीवी के लिए ले लिए। फाइनली बैक टू होम। क्या कहाँ है? बगुले ने कहाँ गया बगुला तुम्हारा? उड़ गया। कहाँ उड़ गया? उधर कहाँ उड़ गया? मम्मी बाहर जा रही है देखने बगुले को। टुमक टुमक कहाँ है, कहाँ है भाई? हो रहा देखो। हाँ भाई, वो बगुले कहाँ मेरे घर में घुसा था भाई? तेरी तो मस्त टुमक टुमक के चल रहा है। पैसे आइए जरा देखो, नटखट लाया था ना मैंने, तो आटा बोल रहे थे अभी, नटखट का था तो नटखट ही तो कहा था। हाँ हाँ। पहले बता कैसे चल रहा था बगुला? अब तो वो नहीं खाएगा चॉकलेट, मैं खा लो पहुंच के आगे ना, वही सोच रहा था इन्हें कहते कहते खा लो, थोड़ी सी खा लेना। जैसे नटखट पे मुंह वैसा हो रही हूँ, फटाफट 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 फटाफट। ये नटखट ना पहले 1 रुपए का आता था, जब हम इतने इतने से था ना ऋषु, जितने जितने जब खाते थे। अभी तूने खाया जब? देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, ये जनाब अपने साले से यानी कि मेरे भाई से बात कर रहे हैं, और बात नहीं उसको धमकियां दे रहे हैं। देखो देखो किससे बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो? साले से। नाम नहीं है उसका? ना साला है उसका नाम।
मैं लेके जाने वाला हूँ रिशु के लिए, जो मेला आया था किंडर जो है उसे देता हूँ, उसका एक्सपीरियंस उसका एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करते हैं। रिशु रिशु मोबाइल रखो बंद करो बंद करो बंद करो पहले बंद करो पहले बंद करो, आपको पता है ना क्या है, अब मैं नहीं दे रहा छोड़ो बंद करो फटाफट, मैं भी नहीं दे रहा, मैं नहीं देवू देवू अप्पा खा रहा है, हमारा देवू की तबीयत खराब है, देवू हमारा सही हो जाएगा जल्दी से, है ना चाची, ये देवू चुप करा रहा है उसको। देखो मेरा डांस सबको सबने आपको कहा था डांस सिखाऊंगा। आपका बम नहीं दिख रहा लोगों को, थोड़ा दूर हो। और ये चुप हो गया। दोबारा ये इसका बम्पर टकरा है। ये ना खाना छोड़ दिया हंस रहा। ये खुश हो गया। बंदर वाला डांस। चलो बंद कर दो, हो गया मेरा चैलेंज कंप्लीट। नहीं ज्योति ऐसे नहीं हो। ला 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 ला। सही में ना कभी कभार बच्चे इतना फैल जाते हैं, मतलब किंडर तो देखते हमेशा कुछ होता है, मैंने मोबाइल ला कभी फैला ही फैला, अभी तक रो रहा है पता है कि नहीं ये है वो है, चार साल ने मुझे दी नहीं ली, तो इतना प्यारा क्यों है, मतलब इसकी खुद की तबीयत सही नहीं है, पता नहीं हो क्या रहा है। अरे ना मेरे लिए ये बनवा के लाइए, कैसे आपको पता है आज के लिए मुझे जिम करने से क्यों नहीं रोकती, चाहे मैं डेढ़ घंटा करूँ, क्योंकि मैं अपने आप को खाने से नहीं रोकता, यही बात है ना। Yes, ये कुछ भी लाती है मैं अच्छे से खाता हूँ, पहले मैं नहीं खा रहा, मैं जिम में हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बट अब क्या हो गया जो भी लाती है मैं खाता हूँ और रात को सारा निकाल देता हूँ एक्सरसाइज कर करके, तो इसलिए रोकती नहीं देन, है ना। दत्ताली हम खाते हैं पकौड़े, आपका भी मजा चाहूँ मैं, मेरी मैडम को बनाना है वाटरमेलन जूस, तो भाई साहब हमें ऑर्डर मिला है पुदीने लाने का, पुदीने लाने हम कहाँ जाएंगे, अपने बराबर के खेत में, पता नहीं हो भी रहा नहीं हो रहा है, चलो देखते हैं। हमारे खेत में थोड़ा सा पुदीना तो यहाँ हो रहा है, थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पे हो रहा है, ये रहा आज ये वाला लेके जाऊँगा यार, हमेशा वहाँ की कटौती हो जाएगी, कटती है यहाँ की नहीं कटती, पता है जब भी आप अगर धनिया या पुदीना काट रहे हो हर बार अलग अलग जगह से काटो, क्योंकि इन पेड़ों का क्या है कि जितना काटोगे उतना बढ़ेंगे उतना अच्छा पनपेंगे। पुदीना डन, मैडम पुदीना उसे मैं दिया पुदीना, अब पता है क्या चल रहा है, मेरा एक तरफ चल रही है फैमिली मैन, एक तरफ चल रही है एडिटिंग, और 3:30 बजे एक तरफ मेरे चलेगा ऑफिस का लैपटॉप, बस हो गया फिर तो आज तो काम करते हैं। देखो पीछे फैमिली मैन चल रही है, एडिटिंग चल रही है, गर्मियों के दिन में ना पानी पी पी के जूस पी पी के ऐसा हो जाता है कि खाना खाने मन नहीं करता। अभी मैडम भाई आशु सुनो ना खाना, मैंने कहा यार पहले मैगी खिला दी तूने थोड़ी सी, फिर मैंने उसके बाद वो खा लिया आम खा लिया, फिर मैंने जलजीरा पी लिया, फिर मैंने अभी उसका वाटरमेलन जूस पी लिया, उससे पहले पानी पी लिया था पूरी बोतल, और पेट भाई यहाँ तक भरा हुआ है, मतलब कैसे खाऊं कैसे ना खाऊं, हंसती भी जा रही है उल्टा। भाई इतनी गर्मी हो रही है ना, तो बच के रहो सही में, पता है रिशु के दाने निकल गए, देवू के एलर्जी हो रही है, मेरा सिर घूम रहा है सुबह से, पूछो मत ना यार, बाल को मत करिए, देखो बाल को घर वाले भी कहने लग रहे हैं बाल बाल बाल, मेरे ख्याल से बेवकूफ़ वाला खोल आ गया, बेवकूफ़ का हमने एक प्रोडक्ट रिटर्न, बेवकूफ़ का एक जो इसने एक्चुअली पजामा ऑर्डर किया था ना उसकी जो लास्टिक टाइप थी अपन ने वापस कर दिया, ले जा भाई ठाके वापस। साहब ये लड़की ना मेरे पे ना इल्ज़ाम लगा रही है कि कवर वाला डिसाइड कब हुआ है, व्लॉग नंबर 52 में मैंने दिखाया था ना वो आँख वाला मेरा है, क्या कह रही है तू, डिसाइड किया नहीं था कल, डिसाइड किया नहीं था वो तुमने खुद रख लिया था कि ये मैं रख रहा हूं, तूने कहा नहीं था ठीक है मैं तो हर चीज पे ठीक है, ठीक है। मस्त अब हर चीज पे ठीक का हो गया तो हम तो मानेंगे ना, डॉक्टर को उल्टा पेशेंट तंग कर रहा है। अरे हमारे यहाँ पे ना नए तरीके के पेशेंट आए हैं भाई साहब, डॉक्टर को तंग कर रखा है इन्होंने। डॉक्टर अपनी दवाई खुद खा रहा है तू,
कच्चे वाला डॉक्टर है भैया, ये सही जगह फंसा भैया, कर दो आज काम। ये पारिवारिक भी लोग है, ये पारिवारिक भी लोग है, तुम बच्चे की इज्जत उतार रहे हो भाई साहब। रोज की रोज ना डिले हो जाता है। अभी बजे 11 और अभी तक हमने लंच नहीं किया, ऑफिस के वर्क में फंसे पड़े हैं। इस व्लॉग को करता हूँ मैं बंद। मे भी आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। मैंने डांस वगैरह किया थोड़ा बहुत, ऐसी मस्ती मजाक करता रहता हूँ यार मैं। और जो भी था आपने देखा व्लॉग, मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा हो। और ऐसे ही प्यार करते रहो यार, जैसे आप लोग कर रहे हो, इतना ही साथ देते रहो हमेशा। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो। और भाई वो लाल वाला घंटा, अगर लाल वाला जो बटन है ना, अगर आपने नहीं दबा रखा है उसे जाओ दबाओ, बराबर वाला घंटा भी दबाओ। सो इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल अगले ब्लॉग के साथ। बाय बाय।